स्टार प्लस का शो बिदाई तो आपने देखा ही होगा, फिर तो आपको इस शो की सांवले रंग वाली रागिनी तो याद ही होगी। उसी रागिनी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री हैं पारुल चौहान, जिन्होंने सांवली लड़की रागिनी का किरदार निभाकर दर्शकों का खूब दिल जीता था और अपने इस किरदार के साथ ये एक घरेलू नाम बन गई थीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रागिनी का किरदार निभाने वाली अदाकारा आज टीवी शोज में काम कर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की मालकिन भी बन गई हैं और साथ ही आज ये अपनी कमाई से एक लग्जरियस लाइफ भी जीती हैं। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको पारुल चौहान की उसी लग्जरी लाइफस्टाइल और करोड़ों की प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल और प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इनके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। ताई सीरियल में रागिनी का किरदार निभाने वाली अदाकारा पारुल चौहान का जन्म 19 मार्च 1988 को यूपी में हुआ था, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं से पूरी हुई थी। अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में, तो इन्होंने साल 2003 में कहीं तो होगा सीरियल के साथ अपने करियर की शुरुआत की, पर इन्हें इनकी असली पहचान मिली इनके आगे के सीरियल सपना बाबुल का बिदाई में रागिनी का किरदार निभाकर, जिसके बाद इन्होंने रिश्तों से बड़ी प्रथा, पुनर्विवाह, मेरी आशिकी तुम से ही और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे सीरियल्स में काम किया था। आपको बता दें कि ये मशहूर अदाकारा अपने हर सीरियल में काम करने का पर डे करीब 50,000 रुपए चार्ज करती हैं और अपनी इसी कमाई से इन्होंने करीब 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है, जो इनका मुंबई में बना 3 BHK फ्लैट है और काफी आलिशान के साथ बेहद ही सुंदर है, जिसे इन्होंने काफी लग्जरी चीजों के साथ सजाया है। जितना पैसा ये अपनी प्रॉपर्टी पर खर्च करती हैं, उससे ज्यादा ये पैसा तो अपनी लाइफस्टाइल पर उड़ा देती हैं। शुरू करें इनके ड्रेसेस से, तो ये अपनी असल जिंदगी में एथनिक से लेकर मॉडर्न ड्रेसेस कैरी करती हैं, जो सभी काफी स्टाइलिश होती हैं और उन सभी ड्रेसेस में ये काफी सुंदर भी लगती हैं। इसीलिए सुंदर दिखने के लिए ये अपनी एक ड्रेस पर करीब 50,000 रुपए तो खर्च करती ही हैं, क्योंकि ये उन्हें अपने डिजाइनर से सिलवाती हैं। कपड़ों के साथ साथ इन्हें शूज का भी काफी शौक है, इसीलिए तो इनके पास एक बड़ा शूज कलेक्शन है, जिनमें गुची जैसे ब्रांड की 40,000 की हील से लेकर 25,000 के पूमा जैसे ब्रांड के स्नीकर्स भी शामिल हैं। कपड़ों और शूज के साथ साथ इनकी लाइफस्टाइल में मेकअप का भी एक अहम रोल है, इसीलिए तो ये 2 लाख के मेबलिन न्यूयॉर्क जैसे ब्रांड का मेकअप यूज करती हैं। इसके अलावा इनके पास 1 करोड़ रुपए की गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का भी एक अच्छा कलेक्शन है, जो मेकअप के साथ इनकी सुंदरता को और भी बढ़ाता है। अब अंत में बात करते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके पास टोयोटा और हुंडई जैसे ब्रांड की कई गाड़ियां हैं। अगर बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने 12 दिसंबर 2018 को चिराग ठक्कर से शादी की थी और आज उन्हीं के साथ ये अपने 5 करोड़ वाले घर में खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, क्या आपकी भी आंखें फटी रह गईं पारुल की ये अमीरी देखकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।